नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वर्षा। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां अन्नपूर्णा व मां मंगला गौरी का भक्तों ने किया दर्शन। कोविड के चलते मंदिरों में रही कम भीड़। धनपालपुर में बैलेट पेपर की कमी के चलते हुआ विवाद, दोबारा मतदान की हुई मांग। डीएम ने अस्पताल अधिकारियों संग कोविड 19 की समीक्षा बैठक। और लॉकडाउन की खबर के बाद कुछ ही घंटों में बिकी करोड़ों की शराब, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप माता अन्नपूर्णा के दरबार में लोग पहुंचे और दर्शन पूजन किया। नवरात्र की अष्टमी तिथि को दर्शन के क्रम में विश्वनाथ गली स्थित माता अन्नपूर्णा के दर्शन की परंपरा है। कोविड 19 के कारण इस बार अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या नहीं के बराबर रही और जो दर्शनार्थी अष्टमी को परिक्रमा किया करते थे, कोरोना के कारण इससे वंचित रह गए। आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर में बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण मंदिर में सन्नाटा छाया रहा। दैनिक पूजा पाठ का क्रम मंदिर प्रबंधन द्वारा चल रहा था। आने वाले दर्शनार्थियों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट देखकर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था। पूरे मंदिर को हर एक घंटे के अंतराल पर सैनिटाइज किया जा रहा था। हर साल दर्शनार्थी अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करते थे, लेकिन इस बार महाअष्टमी पर्व पर ऐसा नहीं हो पाया। वहीं इस दौरान मां अन्नपूर्णा का विशेष अनुष्ठान पूजन कोरोना महामारी को दूर करने के लिए किया गया। हर वर्ष के महाराष्ट्र में इस वर्ष के नवरात्रि में जैसे कि अष्टमी तिथि को माँ गौरी के रूप में माता अन्नपूर्णा का दर्शन होता है, तो इस महामारी कोविड महामारी के कारण लोग यहाँ आ नहीं पाए दर्शन करने, और प्रशासन द्वारा जो नियम लागू किया गया है आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही लोग प्रवेश कर पाएंगे। इस वजह से भक्तों की संख्या में बहुत कम लोग ही पहुँच पा रहे हैं, और इस वजह से लोग अपने घरों से माँ का पूजा आराधना ध्यान कर रहे हैं, और हम माँ से कामना करते हैं कि इस कोविड रूपी महामारी से जल्द निवारण हो और देश का माँ रक्षा करे, भक्तों का कल्याण करे। धनपालपुर में बैलेट पेपर की कमी के चलते विवाद हुआ, लोगों ने दोबारा मतदान की मांग की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु सोमवार को वाराणसी में मतदान हुआ, लेकिन ग्राम सभा धनपालपुर के लोगों ने मतदाताओं के अनुरूप बैलेट पेपर की कमी की बात कही। मधुसूदन सिंह ने बताया कि यहां ग्राम प्रधान पद के लिए 700 बैलेट पेपर ही आया था और जब वो खत्म हो गया तो हमने इसे मंगाने की बात कही। इस बीच कुछ अराजक तत्वों के उकसाने पर यहां नोकझोंक हुई और एसओ ने सभी को हटा दिया। वहीं जब बैलेट पेपर आ गया तो एसओ ने मतदान का निर्देश दिया, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने 6 बज जाने के बाद वोटिंग न कराए जाने की बात कही, जिससे यहां विवाद हुआ और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लोगों ने एसओ के निलंबन और दोबारा मतदान कराए जाने की मांग की। यहां पे कल चुनाव हो रहा था, जिसके दौरान लगभग 4:30 बजे अंदर से बताया गया मतदान कर्मियों द्वारा कि यहां पे 700 ही बैलेट पेपर आया। प्रधानी का, बीडीसी का पूरा है, जिला पंचायत का पूरा है, प्रधान का 700 है। लोगों द्वारा पूछा गया कि 700 ही क्यों ले आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि कहीं भी 100% मतदान नहीं होता है, तो वहाँ से इसलिए दिया गया कि भाई आप इतना लेकर के जाइए और घटेगा तो भी जाएगा। तो हम लोग पीठासीन अधिकारी, तो हम लोगों ने कहा कि और मंगाइए, तो फिर वो पुनः भेजें। भेजने के बाद यहाँ पे कुछ अराजक तत्वों द्वारा ये कहा गया कि हम लोगों का तो काम हो गया, मतदान पड़े चाहे मत पड़े। इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें यशो महोदय और रोहनिया ने आए और खदेड़ते हुए ग्रामीणों को भगा दिए। लेकिन जब बैलेट पेपर आ गया तो उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा कि अब सभी लोगों से कह दीजिए कि वोट डालें, भले रात को 12 बज जाएगा, वोट सभी लोगों का पड़ेगा। मतदाता यहां पर आए वोट डालने के लिए, लेकिन वोट जो है अंदर से मना कर दिया गया कि 6 बज गया है, अब नियम के विरुद्ध काम हम नहीं कर सकते हैं, वोट आप लोगों का नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा, हमने क्या सभी ग्रामवासी कहे कि यशो महोदय निर्देश देकर गए हैं
कि जितने लोग छूटे हुए हैं सबका वोट यहाँ पे पड़े, तो आप वोट डलवाइए। लेकिन तो अब क्या मांग है आप लोगों? अब हम लोगों की मांग ये है कि दोबारा जो है, फिर उन्होंने ये कह दिया कि हम लोग पेटी लेकर के जा रहे हैं, तो सभी एजेंट ने कहा कि ठीक है आप पेटी लेकर के जाइए, हम लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे। वो अंदर पेटी को सील किए कि नहीं किए, क्या किए, हम लोग नहीं जानते हैं। और पेटी जब लेके जाने लगे तो हम लोग घेराव किए। उस घेराव में यशो महोदय ने जो है लाठी चार्ज किया, जिसमें कुछ गांव सभा के जो है सम्मानित व्यक्ति चोटिल हुए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि यशो महोदय को निलंबित कर पुनः मतदान कराने की कृपा करें। डीएम ने अस्पताल के अधिकारियों संग कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में डीएम कौशल राज शर्मा ने वाराणसी जिले के सभी प्राइवेट व सरकारी अस्पताल के अधिकारियों संग कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि जैसे अन्य जिलों में परिस्थिति है, वैसी ही वाराणसी में भी है। जितने भी आसपास के जिलों में ऑक्सीजन के स्रोत हैं, उन सभी जिलों से हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमित साधन में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके कार्य किया जा रहा है। उन्होंने स्वयंसेवी संस्था से भी सहयोग मांगा। बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी व अस्पताल के अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, वाराणसी में जैसे अन्य शहरों की स्थिति है, लगभग वैसे ही यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उसी के अंतर्गत हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल व्यवस्थाएँ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन के स्रोत हैं आसपास के ज़िलों में, उन सभी स्रोत से हम ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रतिदिन भरवा पाएँ और उनको यहाँ शहर में ला के मैक्सिमम पॉसिबल बेड चलवा सकें। हमारे जो बेड थे कल तक 1300 के आसपास चल रहे थे, वो सारे पेशेंट एडमिट थे। आपको याद होगा पिछले कोरोना में मुश्किल से 200-250 लोग ही एडमिट हुआ करते थे। अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है बेड्स पे, इसलिए हर बेड के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। नॉन ऑक्सीजन बेड तो अभी भी करीब 500 और अवेलेबल हैं हमारे अलग अलग अस्पतालों में, लेकिन वो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि नॉन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन उन्हीं लोगों का हो रहा है। उस ऑक्सीजन को डे टू डे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जो दो ऑक्सीजन के स्रोत वाले बड़े अस्पताल थे, BHU और कैंसर अस्पताल, उसमें भी BHU के ट्रॉमा सेंटर को आधे को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आज उसके 60 बेड और नए चालू हो जाएंगे, 30 बेड उसमें कल परसों में फिर जुड़ेंगे। करीब 90 बेड का हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर BHU में चलवाने के प्रयास पूरे किए हैं। इसके साथ कैंसर अस्पताल में भी उनका लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, उसको भी प्रयोग करते हुए कैंसर अस्पताल को भी आधा किया गया है और उसको भी कोविड में कन्वर्ट करते हुए वहाँ 40 बेड का अस्पताल चालू हो गया है और इसको धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ा के 2-3 दिन में 60-70 पर लाया जाएगा। तो 1300 की बेड की कैपेसिटी बढ़ा के हम लोग 1450 पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अस्पतालों से डिस्चार्ज ना होने की वजह से पेशेंट अभी निकल नहीं पा रहे हैं अस्पतालों से, वो रोटेशन 14 दिन की अभी पूरी होनी शुरू नहीं हुई है। 3-4 दिन में जब पेशेंट डिस्चार्ज ज़्यादा शुरू होने हो जाएंगे तो एडमिशन भी बढ़ेगा। इसके साथ आपको जानकारी हो ही गई होगी कि DRDO के माध्यम से वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से यहाँ एक नया 1,000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, उसका कार्य शुरू हो गया है। 15 दिन में वो अस्पताल पूरा इरेक्ट हो जाएगा। उसकी खास बात ये होगी कि ऑक्सीजन का प्लांट उसके अंदर खुद का होगा, लिक्विड ऑक्सीजन उसमें भरनी पड़ेगी, वो हमारे सिलेंडर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो पूरी कैपेसिटी 1000 नई क्रिएट हो जाएगी पूरे शहर में, जो एक बड़ा लाभ हो जाएगा। इसके साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे 2 जिला अस्पतालों में, उसके भी आज हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के पैसे के माध्यम से हम लोग दीनदयाल अस्पताल में एक नया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है 200 बेड के कैपेसिटी का, वो करीब 1.5 करोड़ से ऊपर का प्लांट है, आज हम उसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमारा दूसरा अस्पताल कबीर चौरा है, जहाँ पर होल्डिंग एरिया में 120 पेशेंट एडमिट हैं, वहाँ के लिए भी हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 15 दिनों में इन दोनों अस्पतालों में खुद के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाएं, ताकि इनके सिलेंडर जो फ्री होंगे उनके माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों में बेड बढ़वाए जा सकें। हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था मेंटेन रहे। रेमडेसिविर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक कंपनी 200-300 वायल यहाँ सप्लाई कर रही है प्राइवेट, लेकिन हम लोग वन टाइम जाइडस से बात करके 1000 वायल हर 3-4 दिन में प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ जहाँ मरीज एडमिट हैं वहाँ को वायल दी जा रही है। अभी सभी प्राइवेट अस्पतालों की हमने मीटिंग की है, इनको बताया गया कि ओवर द काउंटर रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब ना करें, या तो पेशेंट एडमिट हो, ICU में हो, HDU पे हो, HFNC पे, BiPAP पे हो, या उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 से जा रही हो, तभी आप घरों में लिखें। अदरवाइज केवल अस्पताल में एडमिट ICU वाले लोगों को रेमडेसिविर पहले लगने दें। इसके अलावा बाकी जो उपचार हैं फेबीफ्लू के या बाकी प्रकार के, वो उनको प्रेस्क्राइब करें। रेमडेसिविर की जो उपलब्धता है वो बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है, साथ के साथ उसका जो प्रयोग है वो अननेसेसरी ना हो,
और इसके साइड इफेक्ट भी हैं, वो लोगों को नए लीवर के किडनी के फॉर्म में ना देखने को मिले, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि जैसे अस्पतालों में हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी अलॉट कर दिए हैं, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड उपलब्धता, वहाँ जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आज से कार्य करना शुरू करेंगे। हमने 5 पहले हमारी कॉल लाइन चल रही थी, अब उनको बढ़ा के 19 कर दिया है। पेशेंट्स के लिए सारा सिंगल हमने कंट्रोल रूम में डाइवर्ट कर दिया है कि जो भी पेशेंट की डिमांड आती है भर्ती कराने की, वो कंट्रोल रूम पर जरूर जाएँ और कंट्रोल रूम के माध्यम से जहाँ जहाँ बेड वैकेंसी है वहाँ वहाँ पेशेंट एडमिट होते रहें। प्रयास ये है कि सीमित साधनों में सभी लोग डबल मेहनत से 24 घंटे काम करके इस पूरी आपदा से जूझने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसी में सभी जनता का भी हम लोग सहयोग मांग रहे हैं कि जहाँ पे भी सामाजिक सेवी संस्थाएँ हों, चाहे बाकी लोग हों, डेड बॉडी मैनेजमेंट का बात है या कुछ मोर्चरी व्हीकल चलाने की बात है, उसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग ले रहे हैं, कुछ डोंग कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मदद ले रहे हैं कि वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्रीमेशन में मदद करें, नगर निगम के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने में मदद करें, तो कुछ सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। कुल मिला के लोगों के प्रयास से, सारे प्राइवेट अस्पतालों के प्रयास से और सभी सरकारी मशीनरी के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाए। लॉकडाउन के खबर के बाद शहर में करोड़ों की शराब की बिक्री हुई और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर व गोरखपुर में लॉकडाउन लगेगा। हालांकि इस आदेश के थोड़ी देर बाद ही प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन से इनकार कर दिया, लेकिन वाराणसी में जैसे ही लॉकडाउन की खबर फैली लोग सड़कों पर आ गए। किराना दुकानों से लेकर सभी छोटी बड़ी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। वहीं शहर में तेजी से शराब की भी बिक्री हुई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते शराब की दुकानों पर दिखे और देखते ही देखते कुछ घंटों में करोड़ों की शराब बिक गई। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर भक्तों ने माता मंगला गौरी के दरबार में हाजिरी लगाई। नवरात्र के अष्टमी तिथि पर नौगौरी के दर्शन के क्रम में दूध विनायक स्थित मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन की मान्यता है, जहां भक्तों ने पहुंचकर मां का दर्शन पूजन किया। कोविड को देखते हुए मंदिर परिसर को सैनिटाइज कर भक्तों के लिए दरबार खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 लोगों को प्रवेश दिया गया, जहाँ भक्तों ने माँ का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। गुरु जी, आज किस देवी का दर्शन है, क्या मान्यता है? महागौरी चाष्टकम चैत्र वासंतिक नवरात्र के अंतर्गत अष्टमी तिथि को मंगला गौरी का दर्शन होता है, जो हर प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली हैं, सौभाग्य की देवी हैं, सुख संतति संतान को देने वाली हैं। इनका दर्शन पूजन करने से हर प्रकार की मनोच्छित मनोकामनाएं पूर्ति होती है, इसलिए माँ का मंगलवार को दर्शन करना हर तरफ। इस बार मंगलवार को अष्टमी पड़ गया है, पुष्य नक्षत्र युक्त है, बहुत ही शुभ लाभप्रद है। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, कोरोना में किस तरह से दर्शन करा रहे हैं? कोरोना काल में प्रोटोकॉल का इस वक्त तो सभी लोग जान रहे हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए भगवती की आराधना, उपासना, प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना कर रहे हैं माँ से? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रगतिशील रहें, हर तरह से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, इस महामारी से मुक्ति प्राप्त हो। यहाँ समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा वाराणसी आए। कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा मंगलवार को वाराणसी आए। इस दौरान उनका काफिला सर्किट हाउस से गुजरा, वहीं इसके बाद वो BLW पहुंचे। मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने नृत्य किया। वाराणसी में महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच नृत्य कर काशी विश्वनाथ के रूप में बाबा महाश्मशान नाथ के दरबार में हाजिरी लगाई।
हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सिर्फ परंपरा निभाई गई, सब कुछ बहुत सीमित रूप में किया गया। इस दौरान नगर वधु ने बाबा से वरदान मांगा कि अगले जन्म में उन्हें नगर वधु न बनना पड़े। काशी में मंदिरों में संगीत पेश करने की देवता के सामने सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। 400 साल पहले राजा मानसिंह ने बाबा मसान नाथ के दरबार में काशी के कलाकारों को बुलाया था। तब श्मशान होने के कारण कलाकारों ने आने से इनकार कर दिया। तब इन नगर वधुओं ने आगे बढ़कर इस परंपरा का निर्वहन किया और आज तक इसे निभा रही हैं। वहीं इस दौरान बाबा की भव्य झांकी सजाई गई और उनकी आरती की गई। ये हमारे आज अब जो है कि ये मेरे पांचवी पीढ़ी से ये कार्यक्रम इन लोग जो आती हैं कि मतलब कि अपने नृत्य से बाबा महाशमशान को जो है ये जो है कि उजागर करती हैं कि जो आज हमारे देश में शासन प्रशासन सभी लोग जो परेशान हैं तो ये अपने मर्द इन्होंने कहा है कि इस बार हम अपना घुंघरू बजाकर ये बाबा को जगा कर ये कोरोना को भगाएंगे जो आज हमारे शासन प्रशासन आप जनता त्रस्त है खाने खाने को लिए इसलिए हमने इसको बड़े खराब लेकिन अपने मन इन्होंने ये जागरूकता किया। आज बाबा महाशमशान नाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का अंतिम दिन था जो कि कोरोना काल की वजह से बहुत सिर्फ परंपरा निभाई गई है। आज के दिन त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव में यहाँ बाबा का नगर वधुओं द्वारा नृत्य द्वारा नृत्यांजलि प्रस्तुत की जाती है जो कि काफ़ी प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है और ऐसी मान्यता है कि राजा मानसिंह के समय इस मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ था तो उस समय संगीत के लिए कोई संगीतज्ञ आने को तैयार नहीं हुआ था, तब काशी की नगर वधुओं ने नृत्यांजलि के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य किया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है काशी में और आज भी ये परंपरा जीवित है और नगर वधुओं में ऐसी मान्यता है
कि वो बाबा महाशमशान नाथ जो कि सबको तारते हैं, सबको मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं, तो नित्यांजलि के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करके नगर वधुएँ अपने नरकी जीवन से मुक्ति और मोक्ष की कामना से ही नित्यांजलि का कार्यक्रम करती चली आ रही हैं। क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए मंदिर प्रांगण में ही इस आयोजन को सीमित लोगों में ही संपन्न। विकास भवन में बने कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी ने मरीजों के विषय में जानकारी दी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों कोविड का प्रकोप चरम सीमा पर है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए कोविड केयर सेंटर की विकास भवन में स्थापना की है, जिसका उद्देश्य मरीजों की स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखना है। इसी कड़ी में जब नोडल अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लगभग 2000 मरीजों से रोज वार्तालाप करने की कोशिश की जाती है, जिसमें गंभीर मरीजों को यथासंभव मदद पहुंचाई जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ मरीजों का फोन न मिलने से उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये विकास भवन में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये यहाँ पे जो बेसिकली जो होम क्वारंटाइन वाले मरीज हैं, जो घर पे हैं पॉजिटिव मरीज, उनका यहाँ पे डेली उनको फ़ोन करके उनका अपडेट लिया जाता है। अगर उनको कोई समस्या होती है तो या किसी को एडमिट होना होता है तो उसकी यहाँ से फिर हेल्प की जाती है, एडमिट कराया जाता है। जी यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक दो टीमें लगी हुई हैं, एक 8 से 3 का ऐसी एक शिफ्ट में काम करती है, जिसमें शिक्षा विभाग के हमारे अनुदेशक लगे हुए हैं और दूसरी इसमें पंचायती राज विभाग के टीम लगी हुई है, जो कि आपके दोपहर के 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक वो लोग कॉलिंग करती हैं। और इसमें जो पर डे हम लोगों के जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उस पर हम लोग काम करते हैं। मॉनिटरिंग हमारे यहाँ ACM सर हैं और हमारे एडिशनल CMO सर हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, सारे लोग इस मॉनिटरिंग टीम में सब लोग लगे हुए हैं। बर्थडे आप कॉल करते हैं तो बर्थडे क्या रुझान मिलती है, क्या आपको मिलती है शिकायतें, सबसे ज़्यादा क्या आपको सामना करना पड़ता है? जी हम लोग कॉल करते हैं तो बेसिकली हम लोग पेशेंट को जो है उनका ऑक्सीजन लेवल पूछते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उनको दिक्कत या कोई सुझाव होते हैं उनको सुझाव देते हैं, अगर वो कोई मरीज हॉस्पिटलाइज होना चाहते हैं तो उनको हम लोग हॉस्पिटलाइज होने में मदद करते हैं यहाँ से, और कहीं किसी के यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हो पाए तो सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ से हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे, वहाँ उनके घर में सैनिटाइजेशन होता है, फिर नगर निगम की टीम जाती है। कितने कॉलिंग आप लोग करते हैं पर डे और क्या दिक्कतें आती हैं सबसे ज़्यादा आप लोग? जी पर डे जो लिस्ट डेली की लिस्ट आती है, चूँकि पर डे की लिस्ट अलग अलग आती है, जितने पॉजिटिव लिस्ट है किस दिन 2000 है, किस दिन 2500 है, किस दिन 2400 है, तो पर डे की लिस्ट अलग अलग होती है। और वो हम लोग टारगेट रखते हैं कि हर मरीज को आप कॉल करके उनका कम से कम हम लोग एक बार हाल चाल ले लें कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उनको हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जी जी एक शिफ्ट में 40 लोग लगे हुए हैं और दूसरी शिफ्ट में भी 40 लोग लगे हुए हैं। हेवन ब्यूटी सलून एंड हेयर स्पा सलून का उद्घाटन किया गया। सिग्रह स्थित चंद्रिका नगर कॉलोनी में मंगलवार को हेवन्स ब्यूटी सलून एंड हेयर स्पा सलून का उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वास शामिल हुए, उन्होंने फीता काटकर सलून का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह सलून एक फैमिली सलून है, जहां पर लेडीज के लिए ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट के साथ ही सभी तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। वहीं मेंस के लिए भी यहां एक्सपर्ट टीम मौजूद है। सलून की डायरेक्टर आंचल जायसवाल ने बताया कि हमारे यहाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, जो भी कस्टमर आता है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट फेस शील्ड दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई कस्टमर अपने बच्चे के साथ हमारे यहाँ आता है तो उनके बच्चे के लिए किड्स प्ले एरिया भी है। उन्होंने बताया कि ओपनिंग के अवसर पर 25% तक की फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यहाँ पे मेरे सारे हैं विश्व विश्वास, उनके द्वारा यहाँ पे ओपनिंग की गई है और हमारा ब्यूटी सलून यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि सबको अच्छी तरीके से कोविड का कंडीशन देखते हुए सबको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सेफ्टी के साथ में हमारे सारे स्टाफ हैं जो सारे सेफ्टी के साथ में सारा वर्क करेंगे यहाँ पे, और मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए वुमेंस एंड मेंस के लिए दोनों के लिए हम बहुत बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैम बात की जाए तो लगन भी स्टार्ट हो गया है, तो दुल्हन के लिए क्या व्यवस्था रखते हैं आप लोग? दुल्हन के लिए ये है कि
अगर वो अपने फैमिलीज के साथ आती हैं, उनके घर में कोई बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने किड्स प्ले एरिया भी बनाया हुआ है और हमारे स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली हैं जो उनके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे। और पूरे कोविड का टाइम देखते हुए सैनिटाइजिंग के साथ हम उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैम बात की जाए तो इस समय कोविड का दौर चल रहा है और कितनी सुविधाएँ, कितना सुरक्षा आप अपने इस संस्था से रखी हैं? हम यहाँ से सबको मास्क, सैनिटाइजर, जो भी हमारे से बेस्ट बन पड़ेगा हम वो देंगे और सबको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फेस शील्ड भी प्रोवाइड करेंगे। क्या छूट दे रही हैं आज ओपनिंग के दौर पर? ओपनिंग के टाइम पे हम 1 मंथ तक 25% तक का डिस्काउंट देंगे सारी सर्विसेज पर। और मार्केट और ब्यूटी पार्लर की अपेक्षा आपके ब्यूटी पार्लर में क्या खास है? हमारे ब्यूटी पार्लर में सारी तरीके के रेंज अवेलेबल हैं, जो मिनिमम से मैक्सिमम प्राइस तक जो जिस तरीके से करना चाहें वो उस तरीके से अपनी सर्विस ले सकते हैं जिस भी प्राइस में चाहें। काशी की जनता से क्या अपील करना चाहें? काशी से जनता से मेरी यही अपील है कि सबको अपना सपोर्ट देना पड़ेगा और मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं सबके लिए करूँगी, बेस्ट प्राइस में बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आइए एक बार फिर नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पे। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां अन्नपूर्णा व मां मंगला गौरी का भक्तों ने किया दर्शन, कोविड के चलते मंदिरों में रही कम भीड़। धनपालपुर में बैलेट पेपर की कमी के चलते हुआ विवाद, दोबारा मतदान की हुई मांग। डीएम ने अस्पताल अधिकारियों संग कोविड 19 की समीक्षा बैठक। और लॉकडाउन की खबर के बाद कुछ ही घंटों में बिकी करोड़ों की शराब, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।